अजय छोड़ देता हूँ मैं तुमको। ना ना मैं ऐसे जाऊंगा दौड़ा। तो दौड़ते हुए क्यों जा रहे हो? दौड़ते हुए क्यों जा रहे हो? दौड़ के जाता हूँ। कहाँ से काम, कहाँ काम करते हो? मैगजी में सेक्टर 16। तो गाड़ी में छोड़ देता हूँ ना, गाड़ी में छोड़ देता हूँ। ऐसे जाऊंगा ना, दौड़ने का टाइम भी अभी मिलता है मुझे। तो दौड़ क्यों रहे हो अभी? आर्मी के लिए। आर्मी के लिए? बाप रे। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? प्रदीप मेहरा। प्रदीप मेहरा? और कहाँ के रहने वाले हो? उत्तराखंड अल्मोड़ा। उत्तराखंड अल्मोड़ा। यार सुनो, तुम सुबह दौड़ लेना, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। सुबह में उठने बाद ना, सुबह मुझे ड्यूटी को जल्दी जाना होता है, खाना वाना बनाना होता है। कितने बजे? 8 बजे। कमाल है यार प्रदीप, कितनी उम्र है तुम्हारी बच्चे? 19। ईजा बाजू कांचन यार, मम्मी इलाज चल मो। ओहो, तो यार कहते का टू से तू डाल जगह सी। हाँ डाल जगह सी। मम्मी एडमिट हॉस्पिटल। मम्मी एडमिट चाहिए। तो वायरल है जन, ये वायरल हो जाएगी। वायरल हो जाएगी? हाँ। कौन पहचान रहा है मेरे को? अगर वायरल होगी तो बर्बाद नहीं होने दो, गलत काम भावना कर रहा हूँ। हाँ। तो कितना किलोमीटर दौड़ लेता है? 10 किलोमीटर है 16 से बरोला। बाप रे। और खाना कब खाएगा? खाना बनाऊंगा घर जाके। और घर जाके बनाएगा? हाँ। चले मेरे घर चल, मैं खाना तो बाकी हम लोग खाते हैं। भूखा रह जाएगा ना फिर? हैं? बड़ा भाई भूखा रह जाएगा ना। तो बड़ा भाई नहीं बनाएगा तो बड़ा भाई घर में, तो बड़ा भाई बना लेगा। वो ड्यूटी का है, उसकी नाइट ड्यूटी है। अरे बाप रे यार प्रदीप, तू कमाल है लड़का। यार सुन, मैं छोड़ दूं ना तेरे? मैं छोड़ देता हूँ। ना ना मैं चल रहूंगा, ऐसे रहूंगा ना, मेरी रनिंग बिगड़ जाएगी फिर, रोज का रूटीन है। अच्छा ठीक है, जा बेटा, ऑल द बेस्ट। आपकी स्क्रीन पर जो ये शख्स, जो ये लड़का इस वक्त दौड़ता हुआ नजर आ रहा है रात के अंधेरे में, पीछे से कोई वीडियो बना रहा है। वीडियो बनाने वाला शख्स लड़के से पूछता है कि कहीं छोड़ दूं तुम्हें? तो लड़का बोलता है नहीं, मैं ऐसे ही दौड़ करके जाऊंगा। पीछे वाला शख्स फिर से सवाल पूछता है कि ऐसे दौड़ करके क्यों जा रहे हो? तो वो कहता है मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। गाड़ी में बैठा हुआ शख्स फिर से एक और सवाल करता है, कहता है क्यों, किस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो? तो वो लड़का कहता है कि मैं आर्मी में जाने की प्रैक्टिस कर रहा हूं। इस पर वो एक और सवाल करता है कि तुम इतनी रात को क्यों दौड़ रहे हो? लड़का कहता है कि दिन भर काम करता हूं, इसी वक्त वक्त मिलता है, इसलिए मैं दौड़कर नोएडा सेक्टर 16 से बरोला अपने घर लगभग 10 किलोमीटर की दूरी ऐसे ही दौड़ करके पूरी करता हूं। पीठ पर एक बस्ता है। कई और सवाल पूछता है जो शख्स गाड़ी में बैठा होता है, और वो कोई ऐसा वैसा शख्स नहीं बल्कि बॉलीवुड का जाना माना डायरेक्टर है, जिनका नाम है विनोद कापड़ी। आपको बता दूं, ये वीडियो देखने के बाद हर उस शख्स के अंदर कई सवाल खड़े होने लगे, कई भावनाएं थी जो एक तरीके से बहने लगी। सवाल ये था कि एक लड़का जिसकी उम्र 19 साल है, जो सड़कों पर बेहताशा दौड़ रहा है, और उसका सिर्फ एक ही सपना है कि वो एक दिन भारतीय सेना में जाए। ये जुनून ही तो है, ये किसी तनख्वाह के लिए नहीं था, ये जुनून देश की सेवा के लिए था। वो लड़का जो दौड़ रहा था उसका नाम प्रदीप मेहरा है, रहने वाला मूलभूत उत्तराखंड अल्मोड़ा का है। वो यहां पर एक बर्गर कंपनी है मैकडॉनल्ड्स, उसमें काम करता है। वो अपने भाई के साथ रहता है। लेकिन जब ये वीडियो वायरल होने लगा, लोग जानने लगे, तो धीरे धीरे ये भी पता चला कि वो लड़का इतनी रात में दौड़ करके इतनी मेहनत क्यों करना चाहता है। दरअसल उसकी माँ अस्पताल में बीमार है, जिसका इलाज चल रहा है। दोनों भाई लगातार अपनी माँ के इलाज के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन स्वाभिमान इतना था कि जब डायरेक्टर विनोद कापड़ी ने उसे अपनी कार में बैठने के लिए कहा, तो उस लड़के ने झट से मना कर दिया। कहा नहीं, मेरी इतने वर्षों की मेहनत बेकार हो जाएगी अगर एक भी दिन मैंने प्रैक्टिस का नहीं छोड़ा तो।
यार सुन, मैं छोड़ दूं ना तुझे, मैं छोड़ देता हूँ। ना ना, मैं चलूंगा, ऐसे रहूंगा ना, मेरी रनिंग बिगड़ जाएगी, फिर रोज का रूटीन है। अच्छा ठीक है, जा बेटा, ऑल द बेस्ट। ये जज्बा हर उस सैनिक के अंदर होता है जो भारतीय सेना में जाना चाहता है, जो भारतीय सेना में है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि भारतीय सेना में जाने से पहले आपको एक सैनिक बनना पड़ता है, आपको अंदर से एक सैनिक बनना पड़ता है, एक सैनिक की तरह सोचना पड़ता है, एक सैनिक की तरह जीवन जीना पड़ता है। और एक सैनिक बनने से पहले सबसे बड़ा जो कर्तव्य एक आम आदमी का होता है, जो एक आम आदमी से एक आम आदमी को सैनिक बनाता है, वो होता है त्याग, सेक्रीफाइस। चाहे वो किसी भी चीज़ का, चाहे वो रातों की नींद का त्याग हो, चाहे वो खाने का त्याग हो, चाहे वो अपने माँ बाप का त्याग हो, अपने भाई बहन अपने परिवार का त्याग हो। जब एक सैनिक वर्दी पहनता है तो उसके लिए उस देश की जो जनता होती है, वो चाहे 120 करोड़ हो, 125 करोड़, 135 करोड़ हो, वही उसका परिवार बन जाता है। उसके लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं रहता। प्रदीप मेहरा जो कि बहुत ही गरीब परिवार से आता है, लेकिन वो इतना स्वाभिमानी है कि उसने एक कार में बैठ करके अपने घर जाना नामंजूर किया। क्यों? क्योंकि वो भारतीय सेना में जाने के लिए हर रात 8-9 घंटे की ड्यूटी के बाद 10 किलोमीटर दौड़ करके अपने घर जाता है, घर पर जाता है और अपने भाई के लिए खाना बनाता है, ताकि उसका भाई कहीं भूखा ना रह जाए। जो और दूसरा भाई है वो भी रात को नाइट ड्यूटी करता है। ये त्याग कहां देखने को मिलता है, किस चीज के लिए देखने को मिलता है? बहुत बिरले ही हम ऐसे लोगों को मिलते हैं या बिरले ही ऐसे दृश्य देखते हैं जहां किसी फोर्स में जाने के लिए, भारतीय सेना में जाने के लिए इतना बड़ा त्याग कोई करता है। वो लड़का चाहे तो मैकडी में ठीक ठाक सैलरी पाकर के अपनी गुजर बसर कर सकता है, लेकिन नहीं, ये उसका जुनून है, ये उसका जज्बा है, जो हर रोज उसे रात को 10 किलोमीटर दौड़ाता है पीठ पर बस्ता लेकर के अपने सामान का, जो उसे हर रोज सोने नहीं देता उसका सपना। क्यों? क्योंकि उसे भारतीय सेना में जाना है। जब लोग सवाल खड़े करते हैं भारतीय सेना पर, तब उन लोगों को ऐसी वीडियोस दिखाना जरूरी होता है। कई लोग सवाल खड़े करते हैं कि भारतीय सेना अमानवीय व्यवहार करती है लोगों के साथ। क्या आपको लगता है प्रदीप मेहरा जैसे जो लाखों हमारे सैनिक आज भारतीय सेना में है, देश की सेनाओं सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, क्या वो कभी किसी के साथ अमानवीय व्यवहार करेंगे? जो लड़का अपने स्वाभिमान के लिए पैदल चलना दौड़ना मंजूर करता है, किसी लग्जरी गाड़ी में बैठना नकार देता है, क्या वो कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है जिससे देश को खतरा ना हो? हां, अगर देश को खतरा है तो मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं, कोई भारतीय सेना का जवान बिना सोचे समझे उस खतरे को खत्म कर देगा। कश्मीर फाइल्स जो मूवी आई है, उसके बाद कई लोग जो इस मूवी के खिलाफ हैं या फिर जो भी मूवी में दिखाया गया उन बातों के खिलाफ हैं, अपना जो भी उनका मत है वो खिलाफ है, वो लोग ये कहते हैं कि भारतीय सेना जो कर रही है जम्मू कश्मीर में या देश के अन्य हिस्सों में, वो बर्बरता है, वो डिक्टेटरशिप है, वो तानाशाही है। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अपने घर को सुरक्षित रखने के लिए जब आपके घर में कोई भूखा भेड़िया घूर रहा हो तो क्या करेंगे आप? उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े होंगे? नहीं, आप वही करेंगे जो आज भारतीय सेना कर रही है उन आतंकवादी रूपी भेड़ियों के सामने, उन्हें खत्म करने का प्रयास, जिसमें वो बहुत हद तक सफल भी हुए। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं प्रदीप मेहरा की कहानी से आप लोगों को कि यही है हमारे सैनिक, यही वो लोग हैं जो कल को वर्दी पहनते हैं। इन्हें आप कैसे कह सकते हैं कि बर्बर है या अत्याचारी है? जो लड़का रोज अपनी मां के इलाज के लिए एक वक्त जॉब करता है और दूसरे वक्त 10 किलोमीटर कोई आम चीज नहीं होती दौड़ना, आपसे 1 किलोमीटर दौड़ने के लिए कहा जाए आपकी सांसें फूल जाएंगी, लेकिन वो काम के बाद थकान के बाद भी हर रोज 10 किलोमीटर दौड़ता है। हालांकि कुछ लोगों के लिए आम चीज होगी जो रोज प्रैक्टिस करते होंगे, जिमों में जाते होंगे, लेकिन उस लड़के के लिए आम बात नहीं है हर रोज दौड़ना। और उसकी ये दौड़, उसका हर एक कदम सिर्फ भारतीय सेना में जाने के लिए बढ़ रहा है।
अपनी माँ के इलाज के लिए बढ़ता है। और जो उसके कंधे पे बस्ता दिखाना मुझे आज उस वीडियो में, उसमें बहुत सारी जिम्मेदारियां भरी हुई थी, बहुत सारी भविष्य की जिम्मेदारी। कल को क्या मालूम कि आपको ये खबर आए कि प्रदीप मेहरा को कोई मेडल मिल रहा है देश की सेवा करने के लिए, भारतीय सेना में रहने के लिए। हो सकता है, मुमकिन है और होगा, ये मेरा यकीन भी है, क्योंकि ये देश और इस देश के सैनिक प्रदीप मेहरा जैसे ही हैं, जो बहुत आम परिवारों से आते हैं। कोई किसान के परिवार से आता है, कोई मजदूर परिवार से आता है, कोई बहुत गरीबी और गुर्बत से आता है, और वो देश के असली हालात को जानता है। वो जानता है कि वो कहां से आया है और किन लोगों की सेवा उसे करनी है। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं आज कि आप अगर नोएडा या नोएडा के आसपास के क्षेत्रों में कहीं पर भी हैं, तो प्रदीप मेहरा की जिस तरीके से हो सके मदद करिए। मुझे पता है कि वो लड़का 19 साल का स्वाभिमानी है, आपकी मदद स्वीकार ना करे शायद, लेकिन फिर भी उसके इस परिश्रम को, उसके इस त्याग को आज हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हर एक लोगों तक पहुंचाया जाए और उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारा जाए जो ये कहते हैं कि नौजवान जो है आज के देश का वो गलत राह पे चला गया है। जी नहीं, नौजवान गलत राह पे नहीं है, नौजवान उस राह पे चला गया है जिससे आज तक इस देश के नौजवानों को भटकाया गया था। मैं आपसे फिर से एक बार विनती करूंगा, क्योंकि मैं कभी भी कैमरे के सामने किसी के लिए कुछ भी नहीं मांगता, लेकिन आज प्रदीप मेहरा के लिए मैं आपसे मांग रहा हूं। और कुछ ऐसा नहीं मांग रहा हूं कि उसको पैसे दीजिए, जिस जो भी आपसे मदद बन पड़े उससे कीजिए, और आप वहां जाइए। उसने जिस तरीके से बताया कि वो सेक्टर 16 मैकडॉनल्ड्स में काम करता है और बरोला में रहता है, आपको जहां भी वो मिले उस रूट पे उसकी किसी ना किसी प्रकार आप मदद कीजिए। ये आपसे मेरा निवेदन है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।